नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। काल के नाम से हृदय कांप जाता है, परंतु बहुत खतरनाक होता है। पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर कालः परम शोभनः, काल भी परम सुंदर बनकर आया है। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बबकरण आ गया, मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया। उस समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव जी के सम्मुख चतुर्भुज दिव्य नारायण रूप में प्रकट हो गए। उस अद्भुत बाल छवि को देखकर सबने हाथ जोड़ लिए। देवकी वसुदेव स्तुति करने लगे। तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षण चतुर्भुजम संघ गदार युधायुधम। इस अद्भुत बालक को देखो, बच्चे दो हाथ वाले होते हैं या चार हाथ वाले? अद्भुत तो है ही, बालक जन्म लेते समय आंख बंद किए रहते हैं। ये कमल जैसी आंख वाला है, बालक नग्न पैदा होते हैं, पर ये तो पीतांबर पहने आया है। बालक निहत्ते होते हैं, पर ये तो संघ चक्र गदा पद्म लिए खड़ा है। हर प्रकार से अद्भुत बालक है। ऐसे अद्भुत दिव्य छवि को देखकर वसुदेव जी ने प्रणाम किया। विदितोसी भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। मैं पहचान गया कि आप प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुष श्रीमन नारायण हो। केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। प्रभो, आप तो साक्षात आनंद स्वरूप हो। देवकी मैया डर रही है, मन में वसुदेव जी को बार बार संकेत कर रही है कि जल्दी कीजिए महाराज, मेरा भैया ना आ जाए। तो भगवान हंसकर बोले, माता जी, मामा जी की चिंता मत करो, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, अभी जो करना है आप ही करो। जब बाल रूप में आ जाऊं तब मेरा ध्यान रखना। तब तो देवकी माँ का भी साहस बढ़ गया। कंसात भीता सुचिस्मिता, कंस का भय भाग गया, मुख पर मुस्कान आ गई और हाथ जोड़कर मैया ने भी स्तुति की। प्रभो, मृत्यु रूपी नागिन प्रत्येक प्राणी के पीछे पड़ी है, जब तक जीव भागता भागता आपके चरण कमलों की सुखद छाया का आश्रय ग्रहण ना कर ले, तब तक मृत्यु रूपी नागिन उसका पीछा नहीं छोड़ती। मृत्यु मृत्यु बाल भीतः पलायन लोकान सर्वा निर्भयम नाध्य गच्छत तत्पादाब्जम प्राप यद्रक्ष याद्य स्वस्थ सेते मृत्यु रस्माद पैति। मृत्यु रूपी भयंकर रोग सबको भयाक्रांत करता है, तो भवरोग से कैसे बचे? धन्वंतरी भगवान की शरण में जाओ, सारा इलाज कर देंगे। धन्वंतरी भगवान कौन है? भगवान के जो चरण कमल हैं वह धन्वंतरी भगवान है। अब्ज अर्थात जल से जिनका जन्म हुआ, तो धन्वंतरी भगवान का जन्म भी जल समुद्र में हुआ। तो जैसे जल से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, ऐसे ही आपके चरण रूपी धन्वंतरी भगवान का जो आश्रय ले लेगा, वह जन्म मरण रूपी भयंकर भवरोग की पीड़ा से सदा के लिए मुक्त होकर स्वस्थ से ते सर्वदा के लिए स्वस्थ होकर विश्राम करेगा। मुझे तो एक ही आश्चर्य होता है, अनंत ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में विचरते हैं, वह इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे समा गया? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। बड़ी सुंदर स्तुति की। अंत में भगवान बोले, माँ, पूर्व काल में आपने बहुत तप किया था, सो मैंने बेटा बनने का वचन दिया।
आप पहले अदिति कश्यप बने तो मैं वामन बनकर आया, आज मैं तुम्हारा बेटा बनकर पुनः प्रकट होने वाला हूँ। जैसे ही बेटा बनूँ मुझे गोकुल में छोड़ आना और वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है उसे उठा लाना। सारी बातें समझाकर एक नन्हे से बालक बनकर देवकी मैया की गोदी में प्रभु प्रकट हो गए, पर रोए बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले, रामावतार में रोए तो दास दासियां बधाइयां लेकर दौड़ी, और यहाँ कहीं रो बैठे तो चारों तरफ से मामा जी लाठी लेकर दौड़ पड़ेंगे। इसलिए भगवान बिल्कुल चुपचाप देवकी माँ की गोदी में बाल रूप में प्रकट है। वसुदेव जी ने तुरंत उठकर हृदय से लगा लिया, सूप में लिटाकर भगवान को अपने सिर पर धारण कर लिए। जैसे ही सिर पर भगवान को आसीन किया कि हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई, किवाड़ अपने आप खुलते चले गए। जब बाहर निकले तो पहरेदार भी सब खर्राटे मारकर सो गए। इस प्रसंग का आध्यात्मिक अर्थ यही है कि जीव जैसे ही ब्रह्म संबंध को प्राप्त करता है, ब्रह्म साक्षात्कार करता है, तो उसके सारे भवबंधन अपने आप खुल जाते हैं। जितने भी अज्ञान के कपाट लगे हैं वह सब हट जाते हैं। जितने भी काम क्रोध आदि शत्रु घेरे पड़े हैं वह सब सो जाते हैं और जीव वसुदेव की तरह शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। परंतु ब्रह्म से संबंध छोड़कर जब माया रूपी कन्या से संबंध जोड़ता है तो फिर बंध जाता है। वासुदेव जी जैसे ही लाला को लेकर चले तो आकाश के मेघ मंडलों ने देखा, वाह, हम भी सांवले, हमारे प्रभु भी सांवले, हम भी घनश्याम और ये भी घनश्याम, तो चलो इनका स्वागत करें। पर कैसे? भगवान ने छूट दे रखी है, जो तुम्हारे पास हो वही दो। मेघों ने कहा, हमारे पास तो जल है, तो चलो जल ही देते हैं। तो बबर्स परजन्य उपांशु गर्जिता, मेघ मंडलों ने ठाकुर के स्वागत में पानी की मंद मंद फुहारें छोड़नी प्रारंभ कर दी। शेष भगवान को लगा सरकार छोटे से हैं और ये पानी बरसा रहे हैं, तो शेषोन वगाद वारी निवारयन फणई, अपने हजार फणों का छत्र तानकर जलवृष्टि को रोकते हुए वसुदेव के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही यमुना महारानी ने देखा कि मेरे प्राणधन प्रियतम पधार रहे हैं, तो बिना पाद प्रक्षालन किए नहीं जाने दूंगी, उमड़ घुमड़ कर यमुना जी का जल वसुदेव जी के कंठ तक आ गया। प्रभु जान गए कि देवी जी को चरण छूने की पड़ी है और पिताजी डूबे जा रहे हैं, सो तुरंत अपना चरण नीचे को लटका दिया और जैसे ही चरण कमलों का स्पर्श जल से हुआ कि पाद प्रक्षालन करके यमुना वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। इस प्रकार से यमुना पार करके वसुदेव जी नंद भवन में पहुंच गए। यहाँ योग माया के प्रताप से सारे ब्रजवासी खर्राटे बजाकर सो रहे हैं। धीरे से प्रसूतिका भवन में जाकर लाला को सुला दिया और लाली को उठा लिया। जैसे ही लपेटकर बंदी गृह में वापस आए कि कन्या गला फाड़कर रो पड़ी, हथकड़ी बेड़ी फिर बंद हो गई और किवाड़ अपने आप फिर बंद हो गए। कन्या का रुदन सुनकर पहरेदार जग गए और उन्होंने कंस को सूचना दी। कंस दौड़ा दौड़ा आया, पर देवकी की गोद में लाला की जगह लाली को पाया तो बड़ा घबराया। लगता है देवताओं की इसमें भी कोई गहरी चाल है, पर मैं छोड़ने वाला नहीं। कन्या का पैर पकड़कर घुमा ही रहा था कि कन्या हाथ छुड़ाकर भाग गई और अष्टभुजी बनकर प्रकट हो गई। किम मया हत्या मंदो जातः खलु तवांत कृत, यत्र क्वा वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसीह कृपणान वृथा। हे मूर्ख, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया। कंस कांपते हुए बोला, बहन जी कहाँ पैदा हो गया, किस घर में? कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगी, तेरा शत्रु तेरे ही आसपास है, अपने आप ढूंढ निकाल। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई।
कंस बुरी तरह घबराकर अपनी बहन देवकी के ही चरणों में गिर पड़ा। बहन जी, जीवन में पहली बार पता चला कि आजकल देवता भी झूठ बोलना सीख गए। देवमप्यनृतम भक्ति नामर्त्या एव केवलम। पहले आकाशवाणी हुई थी कि तेरा लाल ही मेरा काल होगा, अब ये देवी कहकर गई तेरा काल कहीं पैदा हो गया। इन दोनों में से कोई तो एक झूठा है कि नहीं। हे भगवान, मैंने देवताओं के वचनों पर भरोसा करके तेरे बच्चों को मार डाला। बहन, मेरे अपराध को क्षमा करना। बार बार गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी। बेचारी देवकी क्या कह पाती, क्षमा करके विदा किया। देवकी वसुदेव को भी कंस ने मुक्त करा दिया। तुरंत राक्षसों को बुलाकर कहा, सुनो, एक महीने में जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालो। चारों ओर कंस के राक्षस फैल गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा चा कृतवश्च हरिस्तनुः। जो वेदों पर प्रहार करते हैं, गायों पर अत्याचार करते हैं, तपस्वियों को सताते हैं, सत्य का आचरण नहीं करते, जिनके हृदय में श्रद्धा और दया समाप्त हो गई, वह साक्षात नारायण के अपराधी हैं। वह अपनी मौत अपने हाथों ही पाप कर्मों से बोते हैं। कंस का अत्याचार चारों तरफ बढ़ गया, पर इधर नंद भवन में आगे क्या हुआ वह कथा कल होगी।